असलम आई एम फैसल ख़ान एंड वेलकम टू द फैसल ख़ान स्टूडियो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टेड विद दस आपकी कॉमेंट्स एंड आपकी फीडबैक्स हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके फीडबैक से ही हमें न्यू टॉपिक्स और न्यू आइडियाज़ सामने आते हैं और उसी पर हम वीडियोज़ बनाते हैं सो काइंडली फीडबैक दिया करें एंड बिफोर गोइंग टू द टॉपिक काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बिल आइकन को ज़रूर प्रेस करें क्योंकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आप तक बर्व पहुँचे आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेरेंजल आर्च सो आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ फेरेंजल आर्च सिस्टम इसकी कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे कि हमारे पास फेरेंजल पोचेस क्या चीज़ है फेरेंजल ग्रूव्स और क्लिफ्ट क्या चीज़ है फेरेंजल आर्चेस क्या चीज़ है जो कि सेंट्रल कोर होता है एंड इसकी डरावेटि क्या है सो फेरेंजल आर्च में चार कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें से नर्व कंपोनेंट, वेस्कुलर कंपोनेंट, का्टिलिजनियस कंपोनेंट एंड मस्कुलर कंपोनेंट्स आते हैं सो इसके डेरिवेटिव्स भी आज हम डिस्कस करेंगे जैसे कि हम मस्कुलर डेरिवेटिव्स, उसकी स्केलेटल uh, डेरावेटि कौन कौन से हैं सो so, हमारा ये आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली हम फर्स्ट फेरेंजल आर्ज पर ही करेंगे क्योंकि हमारा मेन uh, थीम है हम कि हम पहुँचे कि किस तरह हमारे पास मैगजिला एंड मैंडबल की डेवलपमेंट होती है सो so, आज हम कंफाइंड होंगे स्पेसिफिक होंगे विद द फर्स्ट फेरेंजल आर्च सो स्टार्ट करते हैं अच्छा तो स्टार्ट करते हैं फेरेंजल आर्चेस को ड्यूरिंग द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास फेरेंजल आर्चेस अपेयर हो जाते हैं बट बिफोर गोइंग टू द फेरेंजल आर्च में कहता तो हूँ कि आपके सामने जो डायग्राम है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ तो आपको पेर फेरेंजल आर्चिस को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान होगा ये आपको साइड ऑफ एम्ब्रियो पे एक बल्ज नजर आ रहा है इसको हम कहते हैं न्यूरल बल्ज क्या कहते हैं न्यूरल बल्ज ये न्यूरल बल्ज जैसे ही इसकी डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो जाती है तो ये हमारे पास एक प्रोसेस बनाता है जिसको हम कहते हैं फ्रंटो नेजल प्रोसेस ठीक है अच्छा इस न्यूरल बल्ज के नीचे एक हमारे पास एक डिप्रेशन होता है डिप्रेशन लाइक एरिया इस डिप्रेशन लाइक एरिया को हम कहते हैं स्टोमोडियम और ये स्टोमोडियम फ्यूचर औरल कैविटी बनाता है क्लियर एंड बिलोव द एंड बिलोव द स्टोमोडियम कार्डिक बल्ज होता है अच्छा यहाँ पर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बको फेरेंजल मेम्ब्रेन कहते हैं और ये बको फेरेंजल मेब्रेन इस फेरेंजल आर्चिस को सेपरेट करती है फ्रॉम फ्रॉन लोअर फॉरगर्ड इसके दरमियान आपको एक ये ब्लू कलर में राइट रॉड्स लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं इस रोड लाइक स्ट्रक्चर को हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं ठीक है अच्छा ड्यूरिंग द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास लेटल टू द न्यूरल ट्यूब एंड जस्ट एबव द स्टोमोडियम फिरंजल आर्चेस अपियर होना शुरू हो जाते हैं इन दिस लेवल और ये फिर आर्चेस टोटल सिक्स इन नंबर होते हैं बट इन में आर्च नंबर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बट फिफ्थ आर्च इसमें ट्रांजिएंट होता है वो जैसे ही डेवलप हो जाते हैं तो वो डिसअपयर हो, हो जाता है वो डिग्रेड हो जाता है तो हमारे पास सिर्फ़ फाइव आर्चिस फंक्शनल रह जाते हैं आर्च नंबर वन टू थ्री फोर एंड फाइव दिस इज़ आर्च नंबर वन टू थ्री फोर एंड सिक्स तो ये छः आर्चिस हमारे पास फंक्शनल रह जाते हैं अब हम स्पेसिफिकली जब नेजो नेगजरी रीजन की बात करते हैं या हम बात करेंगे फेशियल रीजन की या डेवलपमेंट ऑफ मैन की मेगजिला की तो उसके लिए हमारे पास फर्स्ट फेरेंजियल आर्चिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ रीजन और इन डेवलपमेंट ऑफ फेशियल रीजन। अच्छा, हम इस आर्च को इस डायग्राम को हम थोड़ा सा ट्रांसलेट करते हैं अगर हम इस डायग्राम को इस तरह यहां से कट कर ले तो वो आपके सामने किस तरह नजर आएगा अच्छा यहां पर हम फरेंजल आर्च सिस्टम की बात करते हैं। तो फेरेंजल आर्च सिस्टम हमने जो हमने कहा कि इसको हम ट्रांसलेट करते तो आपको ये बिल्कुल इस तरह नज़र आएगा ये हम हाँ देख सकते हैं ये हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट फेरेंजल आर्च दिस इज सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स सेम लाइक वन टू थ्री फोर एंड सिक्स तो ये पांच आर्चेस हमारे पास अपेयर हो जाते हैं ड्यूरिंग द फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट ये जो सारा जितना भी प्रोसेस हो रहा है ये फोर्थ वीक ऑफ डेवलपमेंट में हो रहा है अच्छा ये दरमियान में जो आपको ये फैट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फेरेंजल आर्च एंड ये फेरेंजल आर्च हमारे पास मिजोडर्मल औरिजन होता है हमने कहा कि थ्री जम लेयर्स है और वही थ्री जम लेयर्स आपके हमारे उसकी प्रोलीफ्रेशन से वो थ्री जम लेयर्स के प्रोलीफ्रेशन से हमारे पास फेरेंजल आर्च सिस्टम डेवलप होता है अब फेरेंजल आर्च सिस्टम में तीन चीज़ें हैं एक है फेरेंजल आर्च दूसरा है फेरेंजल पाउच थर्ड नंबर है फेरेंजल ग्रुप ग्रुप को हम क्लिफ्ट भी कहते हैं एंड टुगेदर दीस थ्री स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड फेरेंजल आर्च सिस्टम अब फेरेंजल आर्च की तरफ आते हैं ये फिरेंजल आर्च मिजोडर्मल इनजन होता है एंड मिजोडर्म डर्मल लेयर की प्रोरेफ्रेशन से हमारे पास फेरेंजल आर्च डेवलप होता है इस तरह जो फरेंजल ईच फेरेंजल आर्च को कवर किया होता है फ्रॉम द आउटर साइड से फेरेंजल ग्रूव्स ने एंड इनर साइड से फरेंजल पाउचेस ने उसको कवर किया होता है अच्छा ईच फरेंजल आर्च की तरफ आते हैं तो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं कि फेरेंजल आर्च में हमारे पास कितने कंपोनेंट्स होते हैं अच्छा अगर हम अगेन उसको रिपीट कर लें कि फरेंजल आर्च सिस्टम को तो फेरेंजल आर्च सिस्टम कम्बाइंडली तीन स्ट्रक्चर से बनते हैं तीन चीज़ों से एक फरेंजल आर्च फरेंजल पाउच एंड फरेंजल ग्रूप एंड कलेक्टिवली कलेक्टिवलीस थ्री थ्री स्ट्रक्चर इस कॉल्ड फेरेंजल आर्च सिस्टम अच्छा फेरेंजल आर्च सिस्टम इसकी जो आउटर वाल है उसको हम फेरेंजल क्लिफ्ट कहते हैं इसकी जो इनर वॉल है उसको हम फेरेंजल पाउच कहते हैं एंड दरमियान में जो सेंट्रल कोर है उसको हम फेरेंजल आर्च कहते हैं ईच फरेंजल आर्च कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स आपके सामने वन टू थ्री फोर कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं तो उसमें एक होता है नर्व कंपोनेंट ईच एंड एवरी आर्च इज सप्लाइड बाय दियर ओन नर्व तो मैंडिबुलर ईच एंड एवरी आर्च इज सप्लाइड बाय देअर ओन नर्व सो जो फर्स्ट फेरेंजल आर्च होता है इट इज सप्लाइड बाई द मेगजिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजिमनल नर्व ऑफ ट्राइजिमन नर्व इस तरह हर हर एक आर्च में फिर वेस्कुलर कंपोनेंट भी होता है एक नर्व नर्व होता है इसके अलावा मस्कुलर कंपोनेंट भी होता है एंड कार्टिलेजिनियस कंपोनेंट भी होता है एंड ईच एंड एवरी आर्च उसमें अपनी उस कंपोनेंट से अपने मसल्स एराइज होंगे उससे अपने बोन्स एंड कार्टिलेज टिले अराइज होते हैं अच्छा आते हैं डरावेटिव की तरफ हमने डिस्कस किया हम कि हमारे पास फाइव फेरेंशियल आर्चेज़ होते हैं फेरेंजल आर्च वन टू थ्री फोर एंड सिक्स हम स्पेसिफिकली जाएंगे फर्स्ट फेरेंजल आर्च की तरफ क्योंकि हमारा स्पेसिफ़िक कंसर्न है डेवलपमेंट ऑफ़ मेगजिला एंड मैंडबल के साथ सो फर्स्ट फेरेंजल आर्च की डरावेटिव हम डिस्कस करेंगे क्योंकि फर्स्ट फेरेंशियल आर्च से ही हमारे पास मेगजिला एंड मैंडबल की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है अच्छा फर्स्ट फेरेंजल आर्ज की डेरावेटि डिस्कस करते हैं फर्स्ट फेरेंजल आर्च इज़ आल्सो कॉल्ड मैंडिबुलर आर्च अगर हम उसको देख ले तो हमने कहा कि इसमें एक न्यूरल कंपोनेंट होता है फर्स्ट सो फर्स्ट फेरेंजल आर्च इज सप्लाइड बाई दियर बाई द वी टू एंड वी थ्री ब्रांच ऑफ फ्राइजेमिला नर्व जिसको हम मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ फ्राइजेमिला नर्व भी कहते हैं स्केलेटल डेरावेटिव की तरफ आते हैं स्केलेटल डेरावेटिव में जो कार्टिलेज होता है फर्स्ट फेरेंजल आर्च में इसको हम मेकल्स कार्टिलेज कहते हैं एंड इसी मिकल्स काटिलेज के ज़रिए हमारे पास मैंडबल की डेवलपमेंट होती है अच्छा स्किलटल डराबेटोज में इसमें हमारे पास आता है मेगजिला मैंडेबल इसके अलावा अदर स्ट्रक्चर्स भी या स्किलटल स्ट्रक्चर भी अरइज़ होते हैं जिसमें से मेलियस एंड एंकस आता है इसके अलावा एंटीरियर लेगामेंट ऑफ मेलियस आता है इसके अलावा स्पाइन ऑफ स्पीनाइड स्पीनोमैनडिबुलर लेगामेंट ये सारे के सारे जो होंगे ये मिकल्स कार्टिलेज से डिराइव होंगे और मिकल्स कार्टिलेज इज द कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट फेरेंजल आर्च सो ये था हमारे पास स्किलटल डरावेट ऑफ फर्स्ट फेरेंजल आर्च इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मस्कुलर डरावेट ऑफ फर्स्ट फेरेंजल आर्च इससे पहले हमने डिस्कस किया स्किलटल डिरावेट ऑफ फर्स्ट फेरेंजल आर्च जिसमें हमने कहा कि मिकल्स कार्टिलेज होता है उस मिकल्स कार्टिलेज से मैक्सिला मैंडिबल एंड अदर पार्ट ऑफ द फेशियल रीजन डेवलप होता है अब हम मस्कुलर ड्रावाइटोस की तरफ आते हैं सो मस्कुलर ड्रावाइटोस में इसमें से मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन अराइज़ होते हैं जितनी भी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है सो मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन में हमारे पास चार मसल्स आते हैं मेजेटर मसल्स टेम्पोरलिस एंड टेरिगाइड्स तो टीगाइड्स में मीडियल टीगाइड भी एंड लेटरल गाइड मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन जिसमें चार मसल्स आते हैं मेजिटर मसल्स टेम्पोरेल मसल्स मीडियल टी एंड लेटरल टी इसके अलावा हमारे पास माइलोहाइड मसल्स इसके अलावा टिनसर मसल्स आते हैं इसके अलावा एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक सो so, ये सारे के सारे जितने भी मसल्स हैं ये डिराइव होते हैं फ्रॉम द फर्स्ट फेरेंशियल आर्च एंड ऑल दिस मसल्स ऑफ द फर्स्ट फेरेंशियल आर्च इज़ इनोट बाय द सेम नर्व सप्लाइड टू द फर्स्ट फेरेंशियल आर्च